आयुर्वेदिक उपचार पद्धति को विश्व में मान्यता मिलने लगी है। इसके लिए केवल डिग्री का आधार ना हो बल्कि समर्पित भाव से काम करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद से उपचार कर लोगों के बीच विश्वसनीयता सिद्ध करना जरूरी है। इस दिशा में प्रयास करने की सलाह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है। आयुर्वेद व्यासपीठ की रजत जयंती पर आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र का समापन रविवार को कवि सुरेश भट्ट सभागृह नागपुर में हुआ। इस अवसर पर भारतीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत देव पुजारी, संस्थापक विनय वेलणकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रजनी गोखले, नागपुर शाखा के अध्यक्ष प्रसाद देश पांडे आदि उपस्थित थे। प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिक्षा व अनुभव के बाद डिग्री मिलती है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में अपने ज्ञान का परिणाम दिखना चाहिए। जब ज्ञान का परिणाम दिखाई देगा तो सम्मान मिलने लगता है। प्राप्त ज्ञान की नैतिकता रखते हुए लोगों को रोग मुक्त करना हर एक का कर्तव्य है। नई नई तकनीक का उपयोग करने के लिए आधुनिक उपकरण आ चुके हैं, उनका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, इससे पीड़ितों को लाभ मिल सकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर सर्वे पे सुखेन संतो सर्वे संतो निराम है, ये हमारा विचार है। तो उसको भी हमारे सभी प्रकार की व्याधि से ग्रस्त लोगों को आराम मिले, एक समाधान से उनको जीवन जीने का अवसर मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ी कटिबद्धता है। और इसलिए कौन से माध्यम से उसको आराम पड़ता है ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो गई है। बीच में मैं भी काफी प्रयोग करते रहता हूँ, तो जयंत जी के साथ हमने एक ऑस्ट्रेशन क्लब में अलग अलग प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया था। कैरोपैथी थे, एस्ट्रोपैथी थे, एक्यूप्रेशर थे, एक्यूपंक्चर थे, आयुर्वेद के थे, यूनानी वाले थे, योग विज्ञान के थे, और सबको एक जगह आकर मैंने उनको कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप एक दूसरे के पैथी का अध्ययन करके एग्जैक्ट किसके परिणाम किसके उपाय से सबसे अच्छे परिणाम निकल सकते हैं उसके आधार पर आप इसका प्रयोग करिए। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, और पूरे विश्व में इसके प्रति रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है। संस्कृत और आयुर्वेद के बारे में जर्मनी में काफी रिकग्निशन और रिस्पेक्ट है। मैं जब जर्मनी में गया था तो उन्होंने इतने सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं थे। और इसलिए विश्व में हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, हमारे विशेष रूप से चिकित्सा पद्धति, हमारा भी पंचकर्म, इसका पूरे विश्व में आकर्षण है। और इसलिए ये आकर्षण के साथ साथ इसका रिकग्निशन और रिस्पेक्ट का संबंध परिणामों से है। और इन सब बातों पर मोटी तौर पर आधुनिक वर्ल्ड में नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज ये सबसे बड़ी पावर है। मैं अक्सर दो बातों को याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्जन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, अगर हम इस देश को विश्व के नंबर एक की अर्थव्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने $5 trillion की इकोनॉमी बनाने की बात कही है, वो अगर करना चाहते हैं तो नॉलेज के प्रति हमें समर्पित होना होगा। नॉलेज जो है इसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है, और नॉलेज ये कहाँ से मिल सकता है ये भी निश्चित नहीं है। आपके पास आप काम करने वाले ऐसे अनेक डॉक्टर हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, उनके अनुभव से भी आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यही है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट, उत्तम अधिकुत्तम सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी, यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए जो जो नॉलेज है, जो परफेक्शन है, और जिसके कारण लोगों का समाधान हो सकता है, ज्ञान करने के बाद लोगों को लगेगा कि इससे उनका जीवन सुसह्य बन सकता है, उन सब प्रयोगों का अध्ययन करना और उसके आधार पर उसको आत्मसात करके स्वीकार करना,
एकाधी चीज एक्स नाम के वैद्य में होगी, एकाधी वाय ईश्वर के वैद्य में होगी, और हम इसका लगातार अध्ययन करते रहे। रिसर्च बहुत होता है और सरकार में जनरली रिसर्च जो होता है फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट में बदले हो जाता है। रिसर्च एक दूसरे को नहीं बताया जाता, ऐसा मालूम नहीं मुझे क्या है सिस्टम में, पर जैसे अपनी बात किसी को सीक्रेट ना समझ में आई कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि जो रिसर्च है वो प्रशिक्षण के द्वारा, प्रबोधन के द्वारा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना उतना ही जरूरी है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।